सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज के अपडेट्स के बारे में, तो क्या है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है इन्फिनिटी वॉर मूवी का। इसका ऑफिशियली एक इंटरनेशनल पोस्टर आया है जो कुछ इस तरीके का दिखता है, और मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा ऑफिशियल पोस्टर है जिसमें हमें एक बार फिर सारे सुपर हीरोज की टीम नजर आती है जो फेस करने वाले हैं एमसीयू के सबसे बुरे विलन थैनोस का। और वहीं बात करें वंडर वुमन 2 की, तो इस मूवी के लिए एक और कास्ट को कंफर्म कर लिया गया है और वो एक्टर है पेड्रो पास्कल, जिन्हें हमने इसके पहले गेम ऑफ थ्रोन और द किंग्समैन 2 में देखा था, और कहा यह जा रहा है कि उनका इस फिल्म में रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वहीं इसके पहले मैंने आपको ये बताया था कि इस फिल्म में चीता का रोल क्रिस्टन विंग करने वाली है, उन्हें भी इस रोल के लिए कंफर्म कर लिया गया है। और बात करें स्टार ट्रेक 4 की, तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म हो गई है और जल्द ही इस फिल्म के प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको इसके पहले ये बताया था कि शायद स्टार ट्रेक रिबूट होगा, लेकिन नहीं, इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि स्टार ट्रेक शायद रिबूट नहीं होने वाली। हाँ, इस फिल्म के लिए उन्होंने नए डायरेक्टर को कास्ट किया है जिनका नाम है ट्रेंटिनो, और कहा यह भी जा रहा था कि वो इस फिल्म को आर रेटेड बनाएंगे, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि ये फिल्म आर रेटेड नहीं होगी, और इस बात की कंफर्मेशन की थी इस फिल्म के एक्टर सिमन पिग ने। तो शायद कुछ महीनों बाद हमें ये पता चल जाएगा कि इस फिल्म में कौन कौन सी कास्ट रिटर्न आने वाली है। और बात करें टॉम रेडर 2 की, तो शायद हमें टॉम रेडर 2 में लारा क्राफ्ट का रोल करते हुए एलेसिया वकांडर नजर नहीं आने वाली। जी हाँ, क्योंकि इस फिल्म के साथ भी वही हुआ है जो हाल वॉरक्राफ्ट मूवी के साथ हुआ था, यानी इस फिल्म को प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना इस फिल्म के मेकर सोच रहे थे। तो अब ऐसा नहीं है कि वो लोग लारा क्राफ्ट की सीरीज को बंद कर देंगे, क्योंकि इसका गेम काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो शायद वो लोग इसका सेकेंड पार्ट जरूर बनाए या फिर एक रिबूट एक अलग एक्ट्रेस के साथ। और बात करें एज ऑफ टुमारो मूवी के बारे में, तो इसके सेकेंड पार्ट को लेकर इस फिल्म की एक्ट्रेस एमिली बोल्ट ने ये कहा है कि उन लोगों ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को बिल्कुल अलग लिखा है, यानी ये पार्ट फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन अभी भी इस फिल्म की रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है। और वही बात करें जेम्स वॉन्ग के बारे में, तो आप सबको ये पता है कि वो अभी बिजी है अपनी एक्वामैन मूवी को लेकर, तो ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान अपनी हॉरर मूवीज से हट गया है। तो वो हॉरर मूवीज पर भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए अब उनके अंडर एक अच्छी फिल्म आई है, और ये फिल्म स्टीफन किंग की बुक द टॉमी नॉकर से ली गई है, जिसका एक टीवी शो भी आया था। अब स्टोरी की इतनी डिटेल तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि ये एक बेस्ट फिल्म हो। तो बात करें जेम्स वॉन्ग की, तो जेम्स वॉन्ग इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं, और डायरेक्टर की अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। और वही बात करें ड्यूक न्यूकम के बारे में, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये फिल्म बनने वाली है, लेकिन एक्टर की कंफर्मेशन नहीं हुई थी, तो अब इस बार इस फिल्म के एक्टर कंफर्म कर दिए गए हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड्रयू फॉर्म की बदौलत। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ड्यूक न्यूकम के रोल के लिए जॉन सिन्हा को कास्ट कर लिया है, और अगर आप इस कैरेक्टर को नहीं जानते हो तो आप डेडपुल को तो जानते होंगे। ये कैरेक्टर कुछ उसी की तरह है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये फिल्म आर रेटेड होगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल हॉलीवुड में आर रेटेड को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है जिस पर हर कोई अपना हाथ साफ करना चाहता है। और जॉन सिन्हा से लेकर एक और अपडेट है, जॉन सिन्हा चाहते हैं कि उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज में ऐड किया जाए, जहां पर वो आमना सामना करेंगे हमारे ड्वेन जॉनसन से। उन्हें वो मोमेंट स्क्रीन पर देखना है, क्योंकि उनके सभी फैंस की यही रिक्वेस्ट है। तो एक हिसाब से वो यूनिवर्सल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज में ऐड कर लिया जाए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कि जॉन सिन्हा को फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज में ऐड करना चाहिए या नहीं, इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वही बात करें गैम्बिट मूवी के बारे में, तो स्टूडियो ये कह रहा है कि वो इस पर जल्दी काम शुरू करने वाला है, क्योंकि इस फिल्म के साथ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। इस फिल्म को काफी सारे डायरेक्टर्स ने छोड़ दिया है, इसलिए अब फॉक्स ये नहीं बताना चाहता कि अब उन्होंने कौन से डायरेक्टर को कास्ट कर लिया है इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, और स्टूडियो ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो इस फिल्म पर काम शुरू कर दे, क्योंकि एक बार अगर एक्समैन की फ्रेंचाइजी एमसीयू के हाथों चली गई तो एमसीयू इस मूवी को तो कैंसिल ही कर देगा। इसलिए फॉक्स चाहता है कि वो इस फिल्म को भी बनाकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ले। और बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल को लेकर काफी सारी सेट इमेजेस आ रही है, और अब कुछ सेट इमेजेस उनके नॉर्मल कॉस्ट्यूम में आई है, यानी वो इस कॉस्ट्यूम में पूरे 90s के कल्चर की ही लग रही है, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग ही कुछ वैसी है। और बात करें स्टार वॉर्स की, तो आप सबको ये पता है कि स्टार वॉर्स 9 पर काम शुरू हो गया है, लेकिन अब तक स्टूडियो ने ये कन्फर्म नहीं किया है कि इस फिल्म में कैरी फिशर का रोल कौन करने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है कि उनकी डेथ हो चुकी
चुकी है, लेकिन मूवी में वो लिया के रोल में अभी भी जिंदा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्टूडियो किसी और एक्टर को लेकर उसके फेस पर कैरी फिशर की सीजीआई करेगा, जिसमें मेरे हिसाब से तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो अब काफी सारे फैंस ये चाहते हैं कि वो लीना का रोल और किसे नहीं बल्कि मैरिलिन स्ट्रीप को दे दे, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन होगा। और लास्ट अपडेट है जेम्स गन की। वेल, जेम्स गन ने अपने अगले प्रोजेक्ट को रिवील कर दिया है एज डायरेक्टर नहीं बल्कि एज प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर बात मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स गन के एक हॉरर प्रोजेक्ट की, जिसका टाइटल तो अब तक उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इस फिल्म की कास्टिंग और डायरेक्टर को उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो सबसे पहला नाम आता है मेरेडिथ हेगनर का, और दूसरा जैक्सन, और तीसरे डेविड डेनमैन, और चौथी और आखिरी एलिजाबेथ बेनकर। और एज डायरेक्टर चुना है उन्होंने डेविड यारवेस्किस को, जिन्होंने इसके पहले इतनी बड़ी फिल्में तो नहीं बनाई है, तो मेरे हिसाब से उनका ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वेल, तो ये थे बहुत सारे अपडेट मूवीज से रिलेटेड। तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।